हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्सेब मैकबेथ, और मैकबेथ को बहुत अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम सीन वाइज पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट डायलॉग्स हैं उनको देखेंगे। बीच बीच में कुछ ड्रामा की जो डिवाइसेस होती हैं उनको डिस्कस करते रहेंगे, और साथ में जो डायलॉग्स में लिटरेरी डिवाइस आती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्ट और फर्स्ट सीन आता है, तो कैरेक्टर्स से आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे अगर किसी ने समरी पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो कैरेक्टर्स में पहले नहीं बता रही, बिकॉज हम पहले स्टोरी पढ़ेंगे तो साथ साथ में कैरेक्टर्स जैसे जैसे प्लॉट डेवलप होगा वैसे वैसे कैरेक्टर्स से हम फैमिलियर होते जाएंगे। तो आप डोंट वरी रहिए, उसका कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, कैरेक्टर्स अपने आप समझ जाएंगे। तो पहला एक्ट और पहला सीन है जिसमें हमें तीन चुड़ैलें, थ्री विचेस दिखाई जाती हैं। तो एक डेजर्ट प्लेस है और यहाँ पर थंडर और लाइटनिंग हो रही है। अब जो कुछ वर्ड्स हैं आपको ब्लैक में दिख रहे हैं, कुछ वर्ड्स आपको रेड में दिख रहे हैं। तो जो रेड मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क किए हैं जिससे हम याद रख सके कि ये हमें स्पेसिफिकली याद रखना है, और बाकी जो हैं वो डिटेल्स याद रखनी है। तो डेजर्ट प्लेस में थंडर और लाइटिंग हो रही है और तीन विचेस की एंट्री होती है। तो वो डिस्कस कर रही हैं कि हम वापस से कब मिलेंगे। तो फिर वो डिस्कस करते हैं कि अब तक क्या हुआ है। तो सेकंड विच कहती है कि हम वापस तब मिलेंगे जब जो बैटल है, युद्ध चल रहा है, वो लॉस्ट और वॉन दोनों हो जाएगा। ठीक है, लॉस्ट और वॉन कि दो पार्ट्स होते हैं ना, दो, एक सामने वाला एक अपोजिशन, तो एक कोई जीतेगा एक कोई हारेगा। तो लॉस्ट और वॉन कि कोई जीतेगा और कोई हार जाएगा, मतलब बैटल जब फिनिश हो जाएगा ना तब हम मिलेंगे। दैट विल बी आर सेट ऑफ सन, और वो भी कब होगा स्पेसिफिकली, सनसेट से पहले हो जाएगा। आर का मतलब होता है बिफोर। फिर फर्स्ट विच कहती है कि हम कौन सी जगह पर मिलेंगे। तो सेकंड विच कहती है हम हीथ पर मिलेंगे, और देयर टू मीट विथ मैकबेथ। थर्ड विच कहती है हम मैकबेथ से मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर उनकी जो राइडिंग्स है, सवारियाँ हैं, वो दिखाई जाती हैं। एक है ग्रैमिनिकल, तो ये एक बिल्ली है, एक है पैडॉग, ये एक मेंढक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि ग्रैमिनिकल कौन है और पैडॉग कौन है। तो ये उनकी राइड्स हैं जिस पर वो राइड करती हैं, एक कैट है और एक फ्रॉग है। फिर उसके बाद में तीनों एक साथ में एक लाइन बोलती हैं, फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, कि जो सही है वो गलत है और जो गलत है वो हमारे लिए क्या है, सही है। और फिर इसके बाद में वो हवा में उड़ जाती हैं या बह जाती हैं, जो भी कहें आप। तो ये हमारा फर्स्ट एक्ट का पहला सीन है जिसमें हमें तीन विचेस दिखाई देती हैं, और कोई युद्ध के बारे में वो बात कर रही हैं, और मैकबेथ नाम के आदमी से मिलने की बात कहती हैं कि हम मैकबेथ से मिलेंगे, हीथ पर मिलेंगे, और जब बैटल ख़त्म हो जाएगा शाम से पहले तब मिलेंगे। तो ये इसका एसेंस है। फिर आगे नेक्स्ट सीन आता है। नेक्स्ट सीन में हमें मैकबेथ के बारे में पता चलता है, और बहुत से और लोग जो ओपिनियन देते हैं अपना अपना मैकबेथ के बारे में, उसके बारे में हम जानते हैं। तो एक फॉरेस्ट नाम की जगह के पास में एक कैंप लगा हुआ है, एक युद्ध चल रहा है, और डंकन यहाँ का राजा है। प्लेस जो है ना, सेटिंग जिसको बोलेंगे, तो सेटिंग है स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड नाम की जगह पर, और स्कॉटलैंड नाम की जगह के पास में बैटल चल रहा है, और स्कॉटलैंड का राजा है डंकन। मैकबेथ नाम का जो एक पर्सन है वो उसका योद्धा है, और उसको उपाधि अभी तक जो मिली हुई है वो है थेन ऑफ क्लेमिस। अब थेन जो है ना, वो एक फर्दर डिवीज़न मान सकते हैं कि एक राजा से जो लोअर होते हैं और आगे अधिकारी जो बना रखे हैं उसने, तो वो वैसे थेन अलग अलग जगह के बना रखे हैं, जैसे थेन ऑफ रॉस आएगा, थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ फीफे, ऐसे नाम आएंगे अलग अलग। तो थेन का मतलब होता है अधिकारी, तो इस वर्ड से आप समझ सकते हैं। तो ये डंकन जो स्कॉटलैंड का राजा है, इसका महल जो है वो फॉरेस्ट नाम की जगह पर, स्कॉटलैंड में फॉरेस्ट नाम की जगह पर है, और यहाँ पर डंकन इस कैंप में, फॉरेस्ट के पास में कैंप है, तो उसमें मेलकम
और डोनल बेन और लिनॉक्स और अपने अटेंडेंट्स के साथ में वेट कर रहा है, और यहाँ पर वो मिलता है एक ब्लीडिंग सर्जेंट से। तो ये सर्जेंट जो है वो खूनी खून में लथपथ हुआ है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध के मैदान से दौड़ता हुआ आया है, और डंकन उसको देखकर पूछता है कि ये कौन है और हो सकता है ये हमें विद्रोह की सूचना दे दे। अब विद्रोह की क्या बात है? एक मैकडोनल्ड नाम का पर्सन है जो कि इसी का थेन ऑफ काउडर है। मैकबेथ तो थेन ऑफ ग्लैमिस है और मैकडोनल्ड जो है वो थेन ऑफ काउडर है। ये जो मैकडोनल्ड है जो कि थेन ऑफ काउडर है, ये विद्रोही हो चुका है, रिबेल हो चुका है। किसके साथ में मिलकर? जो नॉर्वे का राजा है स्वीनो, उसके साथ में मिलकर रिबेल हो चुका है, विद्रोही हो चुका है। राजा के खिलाफ उसने विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह को दबाने के लिए डंकन ने दो लोगों को भेजा है, मैकबेथ और बैंको, और उसके साथ में उसकी सेना है। तो यहाँ पे जो बैटलफील्ड से जो न्यूज़ आ रही है तो उसके बारे में सुनने के लिए ये यहाँ पर कैंप में वेट कर रहे हैं। ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो मेलकम जो है वो आंसर करता है कि ये जो भाग कर आ रहा है ये कौन है, डंकन पूछता है। तो मेलकम जवाब देता है कि ये कोई सोल्जर है जो कैप्टिविटी से शायद भाग कर आया है, और हमें इसके जो बैटलफील्ड से कोई न्यूज़ है इसके बारे में हमें इससे पता चल सकता है। तो आगे इसके बाद में हमें न्यूज़ पता चलेगी। तो देखिए ड्रामा के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, पहले वो बताती हूँ मैं आपको, जो प्लॉट होता है ना स्पेसिफिकली। तो प्लॉट में क्या होता है कि पहले एक्सपोजिशन होता है, यानी कि हमें प्रॉब्लम पता चलती है, फिर कन्फ्लिक्ट होता है कि दो अलग अलग लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट यानी अपोजिशन चलता है, लड़ाई चलती है। फिर उसके बाद में एक्शन बढ़ेगा, यानी कि जो बैटल है वो भी बढ़ेगा, और एक्शन अपनी पीक पे पहुंच जाता है तो उसको क्लाइमेक्स कहते हैं। फिर फॉलिंग एक्शन, यानी कि जो लड़ाई करने वाला है जो अपोजिट पार्टी है, ठीक है, या एंटागोनिस्ट है, तो वो गिर जाएगा, उसका फॉल हो जाएगा। और रेजोल्यूशन, यानी कि ये जो थीम है, ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ था ये रिजॉल्व हो जाता है, यानी कि आउटकम निकल जाता है या मॉरल निकल जाता है। तो यहाँ पर जो एक्ट फर्स्ट का सेकंड सीन है, तो यहाँ पर हमें एक्सपोजिशन देखने को मिलेगा। आगे फिर सीन आगे कंटिन्यू होता है, और सार्जेंट जो है वो बताता है कि कैसे मैकडोनल्ड और मैकबेथ जो दोनों बहुत टायर्ड होते हैं लेकिन एक दूसरे को चॉक करते हैं, यानी कि गला दबाते हैं। और मैकडोनल्ड वाकई में एक रियल रिबेल है और बहुत सारे गलत काम कर रहा है वो, और उसकी जितनी भी हेल्पिंग्स थी जो बाहर से आई थी, तो मैकबेथ ने उन सबको क्या कर दिया है, आउटशाइन कर दिया है, सबको हरा दिया है, ये कह रहा है। और लास्ट में वो एक वर्ड कहता है कि वैलर्स मिनियन, कि साहस की देवी की तरह है। वो क्या कर रहा है, उसने जो बैटल में और जो अपोजिट हैं उनके जो एनिमीज़ हैं उनकी लाइन को भी क्लेफ्ट कर दिया, चीर दिया, और मैकडोनल्ड के सामने पहुँच गया, और मैकडोनल्ड को उसने मार कर जो किला था तो उस फोर्ट के किले के ऊपर उसने टॉप पर उसके हेड को टांग दिया है। ये सारी बातें यहाँ पर हैंग कर दिया, ये बताता है। फिर डंकन कहता है ओ वैलियंट कज़िन, तो ये किसके लिए कहता है फिर से? डंकन जो है वो मैकबेथ के लिए कहता है कि वैलियंट कज़िन कहकर बुलाता है। और सर्जेंट फिर से बताता है कि जैसे सन राइज होता है ईस्ट से, ठीक वैसे ही बहुत सारे अलग अलग तरीके के तूफान और जहाज़ तोड़ने वाले गरज हो रही है, तूफान हो रहा है, जहाँ भी आराम आता है ना वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। लेकिन मैकबेथ ने फिर भी क्या किया, बहुत इन सब सारी प्रॉब्लम्स के बाद में भी इस युद्ध को जीत लिया है। और डंकन फिर कहता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ इन सब बातों को सुनकर, और बैंको और मैकबेथ दोनों ही इन सब अटैक्स के बावजूद भी और थके नहीं, रुके नहीं, फिर भी इस बैटल को उन्होंने जीत लिया है। और फिर सर्जेंट कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मानो इन दोनों ने मिलकर, कि बहुत सारा ब्लड शेड हुआ जब बैटल हो रही थी, कि तोप चली वहाँ पर और लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, तो उस ब्लड शेड की वजह से ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने इस बैटल फील्ड को गोलगोथा में कन्वर्ट कर दिया है। अब गोलगोथा वो प्लेस है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, टांग दिया गया था। डंकन फिर
सर्जन को कहता है कि इसको ले जाया जाए और इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो ये इसके जाने के बाद में थेन ऑफ रॉस, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अलग अलग जो अधिकारी हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है एरियाज़ के अकॉर्डिंग, तो काउडर का थेन आता है और यहाँ पर बात होती है मेलकम लिनॉक्स, डंकन रॉस, इन सब की। और ये आपस में मैकबेथ की प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और रॉस जो है वो मैकबेथ को बेलोनास ब्राइडग्रूम कहकर बुलाता है। बेलोनास ब्राइडग्रूम, बेलोना जो है वो युद्ध की देवी है और ब्राइडग्रूम यानी कि उसका पति, कि उस युद्ध की देवी के पति के रूप में जैसे उसका पति लड़ाई करेगा ना, ठीक वैसे ही उसने युद्ध के अंदर उस बैटल फील्ड में हर कदम पे विद्रोहियों का, रिबेल्स का सामना किया, उनको फेस किया और उनका उत्साह लास्ट में तोड़कर और ख़ुद वहाँ पर जीत गया। ये सारी बातें थेन ऑफ रॉस यहाँ पर बताता है डंकन को। आगे डंकन इससे भी बहुत खुश होता है और फिर उसके बाद में वो स्वीनों के बारे में बताता है, नॉर्वे के किंग के बारे में, कि उसने ये सारी चीज़ें की। और फिर उसके बाद में डंकन लास्ट में कहता है कि अब जो थेन ऑफ काउडर है, थेन ऑफ काउडर मैकडोनल्ड जो है वो अब हमें और धोखा नहीं दे पाएगा, यानी कि अब उसको मार दिया जाएगा। तो रॉस कहता है मैं ये करवा दूंगा। तो ये लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आकर हमारे ये दो एक्ट हैं, सॉरी दो सीन हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो इतना आप पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट और आगे कंटिन्यू करेंगे। आप रेस्पॉन्स में बता सकते हैं कमेंट करके कि इसमें क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, क्या रिमूव करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।